अनूपपुर जिले के थाना कोतमा अंतर्गत गोविंदा कालरी गणेश नगर में निवास करने वाली नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद उसे 4 से 5 घंटे अपने पास रख घिनौना कृत्य करने की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार गोविंदा कालरी निवासी नाबालिग बच्ची अपने घर से दिनांक 11 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे स्कूल के लिए निकली, तभी बस स्टैंड के पास अकेले खड़ी लड़की को देखकर इस्लामगंज निवासी शाहरुख उर्फ सिब्बू पिता बल्लू मुसलमान दोपहिया स्कूटी वाहन लेकर आया और कहने लगा चलो स्कूल छोड़ दूँ। नाबालिग बच्ची उसे पहले से जानती थी। सिब्बू द्वारा नाबालिग बच्ची को स्कूल छोड़ने के बजाय कोयले की खदान के पीछे एकांत जंगल पर ले गया, जहां वो गंदी नीयत से जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। नाबालिग बच्ची से शादी करने की बात लड़के द्वारा कही गई और 4 से 5 घंटे बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती अपने पास जंगल में रखा गया। फिर गोविंदा बस स्टैंड के पास छोड़कर चला गया और नाबालिग बच्ची ने घर आकर आप बीती घटना अपने माता पिता को बताई। लड़की को छोड़ने के कुछ समय उपरांत सिब्बू पुनः नाबालिग बच्ची के घर के आसपास शाम लगभग 7:30 बजे पहुंचकर ताकझांक करने लगा। पीड़िता ने उसे देख लिया और अपने परिजनों को बताया, तभी सिब्बू को घर के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया और कोतमा पुलिस को संपूर्ण जानकारी दी गई। तत्काल मौके स्थान पर पहुंचकर आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया, जहां पीड़िता की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति सिब्बू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 365 धारा 363 366 366 ए 342 354 354 ए और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपित व्यक्ति सिब्बू को न्यायालय पेश किया गया। क्या हुई थी? जब मैं स्टॉप से जा रही स्टॉप पे इंतजार कर रही थी बस के लिए, तो सिब्बू नाम का लड़का है जो मेरे को बोला स्कूटी में बैठो मैं तुमको स्कूल छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद फिर मेरे को वो मैं बैठ गई उसके साथ और फिर वो मुझे ले जाने लगा। वो भानु हमारे साथ ले जा रहा था, मैं बोली उल्टा कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है इधर से भी एक रास्ता मैं तुमको छोड़ दूंगा उसको। मैं बोली ठीक है छोड़ देना, तो फिर मैं भी चली गई। फिर वहाँ नहीं ले गया मुझे 9-10 जो खदान है वहाँ पर ले गया उस जंगल में, और फिर किस उस किया और फिर शादी के लिए हाँ कर मारा था। फिर मैं कुछ नहीं बोली और फिर डर के मारे में वहीं रही 3-4 घंटे तक, मुझे वहीं रखा था, मैं वहीं पे थी डर के मारे कि कुछ करना थे, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था पर मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं बोली अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं किया और स्कूल टाइम पे मुझे घर छोड़ वहाँ स्टॉप पे जहाँ से ले गया था मुझे वहीं पे छोड़ दिया। जो थाने में कंप्लेंट कर फिर थाने में कंप्लेंट की, पापा मम्मी को बताए, पापा मम्मी मुझे यहाँ ले आए, फिर कंप्लेंट किए। फिर लड़के का नाम क्या है? सिब्बू। कल 11 तारीख को रात में करीब 9 बजे के लगभग मैं तो थाना में सूचना प्राप्त हुई, ये एक बालिका है, नाबालिग लड़की है, उसके रिपोर्ट से ये अपराध जो है तो हमारे थाना में पंजीबद्ध हुआ है 366 का है, और इस अपराध में जो है तो आरोपी को अपन अरेस्ट कर लिए हैं। कल ही आरोपी जो है तो ये दोबारा हुज्जतबाजी करने के लिए पुनः जो है तो लड़की के घर के पास गया रहा, जिससे ग्रामीणों के द्वारा जो है तो सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँच करके और उसको जो है तो अपने कक्षा में ले लिया गया था। बाद जो है तो मामले की विवेचना करके और उसके खिलाफ जो है अपराध का सबूत पाया गया है, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया है, आज न्यायालय उसको पेश किया जा रहा है। अनूपपुर जिले से आदर्श दुबे की रिपोर्ट।